नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। राजनीति के धुरंधर और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से छूटने और स्वास्थ्य लाभ हासिल करने के बाद इन दिनों राजनीति के मैदान में एक बार फिर से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ महागठबंधन को मजबूत करने की कोशिश में जुटे लालू प्रसाद यादव पिछले कुछ दिनों से राजनीति के तीन दिग्गजों से मुलाकात कर चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने पिछले महीने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की। उसके बाद सोमवार को वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले, तो मंगलवार को अपने पुराने साथी शरद यादव से उन्होंने मुलाकात की। लालू प्रसाद यादव की राजनीति के शतरंज पर इस सक्रियता ने जहां गठबंधन की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, वहीं विरोधियों के कान भी अब खड़े कर दिए हैं। लालू आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी समेत दूसरे दल इस सक्रियता पर निशाना भी साध रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि तकनीक और स्टार्टअप के जमाने में अब लोग चरवाहा विद्यालय की सोच वालों के साथ नहीं देंगे। तो आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव एक्टिव मोड में है। टीवी स्क्रीन पर तीन तस्वीरें भी हैं। लालू प्रसाद यादव लगातार दिग्गजों से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले शरद यादव से मुलाकात की। आपको बता दें, 2 अगस्त को उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की। लगातार लालू प्रसाद यादव के एक्टिव से बिहार में सियासी सरगर्मी छाई हुई है। तो आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव की राजनीति के शतरंज में लगातार सक्रियता ने गठबंधन की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, वहीं विरोधियों के यहां पर कान खड़े हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी समेत दूसरे दल इसको सक्रियता पर निशाना साध रहे हैं। वहीं पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, मंगल पांडे ने कहा कि तकनीक और स्टार्टअप के जमाने में अब लोग चरवाहा विद्यालय की सोच वालों के साथ नहीं हैं। तो आपको बता दें, महागठबंधन को मजबूत करने की कोशिश में लालू प्रसाद यादव जुटे हुए हैं और लगातार पिछले कुछ दिनों में राजनीति के दिग्गजों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें, सबसे पहले उन्होंने पिछले महीने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की। उसके बाद मुलायम सिंह यादव से और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। आपको लगता है कि केंद्र में नीतीश कुमार को आना चाहिए? तो ये तो जानना चाहिए ना, नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए। उनका पार्टी तो बोल दिया कि कोई वैकेंसी नहीं है प्राइम मिनिस्टर का, और हमारी सरकार तो बन ही गई थी तेजस्वी का। हम जेल में थे अकेले, वो लड़का मिल गए जो फाइट दिया इन लोगों का, सब लोगों का 10 वोट से 15 वोट से बेईमानी करके सब और हरा दिया। सर, क्या लालू यादव के दिल में अभी जगह है नीतीश कुमार के लिए सर, या दरवाजा? जगह क्या होता है, जगह तो बनाता है, लोग बिगड़ते रहता है। रहे हैं साथ में, रहे हैं, फिर से साथ रहने की कोई संभावना नहीं? अभी हम नहीं समझते। जवान आज डिजिटल इंडिया के साथ चलना चाहता है, स्टार्टअप इंडिया के साथ चलना चाहता है, स्टैंडअप इंडिया के साथ चलना चाहता है, मेक इन इंडिया के साथ चलना चाहता है। तो जब देश का नौजवान आज इस दिशा में चलना चाहता है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो अब चरवाहा विद्यालय की सोच रखने वाले लोग यदि किसी राज्य के अंदर राजनीतिक दखल देना चाहेंगे तो वहां का जन समर्थन और नौजवानों का समर्थन उनको नहीं मिलेगा, ये मैंने स्पष्ट। तो लालू यादव की राजनीतिक सक्रियता और मंगल पांडे के बयान के बाद से बिहार में सियासत तेज हो गई है। चरवाहा विद्यालय वाला कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हैं या फिर डिजिटल और स्मार्ट इंडिया की तरफ आप आगे बढ़ेंगे? अगर आज भी हम चरवाहा विद्यालय के बारे में उनका साथ देते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम हमेशा पीछे रह जाते और कभी भी हम आगे की ओर बढ़ नहीं पाते, विकास का तो कहीं नाम ही नहीं रहता। इसीलिए मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री से बिल्कुल सहमत हूँ, हमें डिजिटल इंडिया की तरफ ध्यान देना है, हमें डिजिटल स्टेट बनाना है, ना कि चरवाहा का साथ देना है। आप अपनी नाकामयाबी को किसी और पे मत मढ़िए, आप कुछ काम करके दिखाइए। आपने कौन सी स्टार्टअप स्टार्ट किया है, आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, आपने आज तक आप बता दीजिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय में आपने कितने हॉस्पिटल्स शुरू किए हैं, आपने कितने मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए हैं,
कितने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग में आपने लोगों की बहाली किया है। आज लोग त्राही माम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ये सब आपकी नाकामयाबी है और आप अपनी नाकामयाबी के लिए आप दूसरे पे जो आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं उसको लगाना बंद करें। आईटी, संचार क्रांति, विद्युता, हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स किसका देन है? कांग्रेस पार्टी का देन है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि अब जनता नरेंद्र मोदी के जुमला, झूठा, महंगाई, बेरोजगारी, किसान विरोधी को त्याग के अब कांग्रेस के राह पे, नेहरू के राह पे, इंदिरा के राह पे, राजीव के राह पे, मनमोहन सिंह के नई विकास नीति की ओर देश के नौजवान बढ़ेगा, भाजपा की धाराशाही होगी। अभी मतलब कि हारते हारते मुश्किल से सरकार इन लोगों की बची है, बनी है बिहार में, वो भी लालू यादव के नहीं रहते हुए। तो अभी भी लोग जो है उस युग को खोज रहे हैं, तो ये कहना बेवकूफ़ी पना है, क्योंकि पिछले चुनाव में मुश्किल से 3-4 सीट 5 सीट का अंतर है हमारे उनके, और हमारे वोट उनके वोट मात्र 15,000 का अंतर है पूरे बिहार भर में जो वोटिंग में से जो है। अभी भी लालू जी जो है जिंदा हैं, गरीबों के बीच में बसते हैं, और सभी गरीब लोग चाहते हैं कि लालू जी की फिर सरकार एक बार बिहार में जरूर बने। प्रासंगिकता का आधार खोजने निकले हैं, पर उस आधार का कोई जान आधार नहीं है, क्योंकि जनता ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। आज की जनता नए रोशनी, नए किरण, नए उद्देश्य, नए अलग अलग तकनीक सिद्धांत के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, पर उसी लालटेन युग की उसी खोज की जो सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं शायद ये संभव नहीं है। ये ठीक है कि स्वास्थ्य की चिंता करते हुए वो ज़्यादा चिंतित होते हुए आगे बढ़ने का काम करें, उसकी शुभकामना है, पर राजनीतिक विरासत की विछात जमीन खोजने की जो तलाश कर रहे हैं वो तलाश अधूरा ही रहेगा, उस तलाश में कहीं कुछ मिला नहीं।